सीजन 5 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें एक लड़की उसके हाई स्कूल के बाहर खड़ी हुई दिखती है। रात हो चुकी होती है, फिर वो बाहर ही होती है। ये हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया है और एक छोटी लड़की किम होती है। उसकी मदर फिर उसे लेने के लिए आती है। किम उसकी मदर से पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो, तो उसकी मदर बोलती है कि मैंने एक ही बियर पी थी। किम को ये अच्छा नहीं लगता और ये सेफ नहीं होता, तो इसके लिए अपनी मदर के पास वो नहीं बैठती। वो अब चलकर घर पे जाने वाली होती है। इस सीन से हमें पता चलता है कि किम अपने अर्ली डेज में उसे कोई भी गलत चीज करना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में सॉल मेसा वर्डे की एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है। सॉल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उस सब टीम को उसने बुलाया होता है और उसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी होती है। सॉल को जो भी काम करवाना होता है, टीम उसे बोलती है कि ये आज के आज नहीं हो सकता, पर सॉल को बहुत ही अर्जेंट चाहिए होता है। सॉल फिर आइडिया लगाता है और बोलता है कि हम ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं। फिर जो नेल सलून होता है, वही वो ग्रीन स्क्रीन रेडी कर लेते हैं और बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने बुलाया होता है। अब वो शूटिंग कर रहे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। किम फिर वहाँ आती है। किम सॉल को पूछती है कि क्या उस ओल्ड मैन को अगर 75,000 हमने दिए तो सेटलमेंट हो सकती है। सॉल पूछता है क्या तुम्हें ऑफर मिला है। किम बोलती है कि हम मेसा वर्डे को ऑफर देने के लिए बोलेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें पैसे देने के लिए बोलेंगे और जो डिफरेंस होगा वो मैं पे कर दूंगी। सॉल को आइडिया अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो किम के अलॉन्ग चलता है। ये एडवर्टाइजमेंट जब वो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अब नेल सलून में बहुत सारी डर्ट वगैरह होती है, तो किम उसे हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक, गस और नाचो अब मीटिंग कर रहे होते हैं। नाचो उन्हें बता रहा होता है कि क्रेजी हेड जो है अब वो इन्फॉर्मेंट बन चुका है डीए का, तो इसलिए तुम्हारे जो आदमी है उन सबकी वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फिर गस अपने आदमी विक्टर को बोलता है कि हमारे जो भी डीलर्स है उन्हें प्रमोट कर दो या उन्हें काम से निकाल दो, दूसरे डीलर्स को तुम लेकर आओ, हमारे जो आदमी है वो पकड़े नहीं जाने चाहिए। नाचो से ये भी बता रहा होता है कि लालो तुम्हारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो जलाने की कोशिश कर सकता है। गस फिर उसे बोलता है कि ये माइक है और अब तुम पूरा रिपोर्ट माइक को ही दोगे। गस फिर वहां से चला जाता है तो नाचो माइक से बात करना चाहता है। नाचो माइक को बोलता है कि तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है यानी कि गस बहुत ही अजीब आदमी है, हमें उसका कुछ करना चाहिए। माइक उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हें सालामांका को कुछ मारना वगैरह नहीं चाहिए, फिर भी तुमने किया, तुम इसमें खुद ही फंसे हो। नाचो बोलता है पर मेरे फादर ने तो कुछ भी नहीं किया है, अपने फादर के बारे में वो माइक को बोलता है। माइक फिर उसे बोलता है कि हमारी अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है हम उससे अब डील करेंगे, उसके बाद हम गस का क्या करना है वो सोचेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि किम रिच के ऑफिस में होती है। वो रिच को बोल रही होती है कि अब सेटलमेंट हम कर सकते हैं। रिच भी इससे बहुत ही हैप्पी होता है। हमने उसके साथ बहुत ही ज्यादा आवाज में बात की होती है, तो किम उससे अपोलोजी लेती है। बोलता है कि तुम ये कर सकती हो, तुम उस पर चिल्ला सकती हो, पर मेरे एम्प्लॉय के सामने तुम ये नहीं कर सकती। किम उसे बोलती है कि फ्यूचर में ये कभी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक एक लड़की को मिलने आया हुआ होता है। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि मनी ट्रांसफर का जो ऑफिस होता है वहाँ का एम्प्लॉय होता है उसे लालो ने मार दिया होता है। लालो जब वहाँ होता है तो वहाँ एक विटनेस होती है, वहाँ एक लड़की आती है जिसको लालो जाने के लिए बोलता है। ये वही लड़की होती है उसे माइक मिलने आया हुआ होता है। माइक बोलता है कि जो आदमी मर गया था उसके फैमिली ने मुझे हायर किया है, वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, वो ऐसा उसे बताता है। माइक उसे पूछता है कि जब तुम ऑफिस से निकली थी तो क्या तुमने किसी एंटीक कार को देखा था, तो बोलती है कि हाँ मैंने देखा था। फिर माइक एक कार की इमेजेस उसे दिखाता है, ये जो कार होती है ये लालो की ही कार होती है। अब माइक उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम अब डिटेक्टिव को कॉल करोगी और बोलोगी कि तुमने इस कार को देखा था। लालो को अब वो फ्रेम कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल कोर्ट में होता है और प्रोस्टिट्यूट को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सॉल फिर उन्हें बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। हावर्ड और डेविस मैन का जो बॉस होता है वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। फिर सॉल उन प्रोस्टिट्यूट को वहां भेज देता है। वो प्रोस्टिट्यूट हावर्ड को बोलती है कि तुमने हमें पे नहीं किया है, हावर्ड की सब इज्जत का पकावाड़ा वो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वहाँ के एक एम्प्लॉय को वो फाइल देता है और बोलता है कि तुम्हें ये डिटेक्टिव को देनी है। जो फाइल होती है, इस फाइल में लिखा होता है कि एक एंटीक कार का एक्सीडेंट हुआ था और उस एंटीक कार वहाँ से भाग गई थी। इससे अब डिटेक्टिव को पता होता है कि ये कार इस मर्डर से कनेक्टेड है, क्योंकि उस लड़की ने भी डिटेक्टिव को बताया हुआ होता है कि उसने एक एंटीक कार को देखा था और ये दोनों कार के मॉडल सेम ही होते हैं। अब जो सेटलमेंट होने वाली होती है मेसा वर्डे और ओल्ड मैन के बीच में, इसकी मीटिंग चल रही होती है। सॉल भी वहाँ आता है। किम से बोलता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो बोल दो, हम आज के आज ही सेटलमेंट कर लेंगे। फिर सॉल बोलता है कि मुझे $4 मिलियन चाहिए। ये सुनकर वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। किम भी उस पर नाराज होती है और बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। किम सरप्राइज होती है। किम उसे बोलती है कि ये नहीं हो सकता। फिर सॉल बोलता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। किम केविन को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, पर केविन वहां से नहीं जाता।
फिर सॉल उन्हें उसने जो एडवर्टाइजमेंट बनाई होती है वो दिखाता है। इस एडवर्टाइजमेंट में वैसा वर्डे के फेक क्लाइंट्स दिखाए गए हैं। ये जो सब लोग होते हैं ये टेस्टिमोनी दे रहे होते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं कि मैसा वर्डे ने इलीगली मेरे घर को सीज कर लिया है। एक आदमी बोलता है कि मैसा वर्डे की टेररिस्ट से कनेक्शन है। एक लेडी बोलती है कि जब मैं वहां गई थी और वापस आई तो मुझे स्किन रैशेस हो गए, मुझे स्किन डिसीज हो गया। सॉल बोलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये पूरे स्टेट्स में मैं रन करने वाला हूँ। केविन के लॉयर्स बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, हम तुम पे केस डाल देंगे। सॉल बोलता है कि तुम केस तो कर सकते हो पर तब तक मैं एड रन कर चुका होगा। फिर वो उन्हें और एक डिविडेंस दिखाता है। जब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को केविन के घर पर सॉल ने भेजा हुआ होता है और वो जब इमेजेस देखता है तो किम ने उसमें एक चीज नोटिस की होती है। जो मैसा वर्डे का लोगो होता है वो एक फोटोग्राफ से उसने चुराया होता है। सॉल उन्हें बोलता है कि एक आर्टिस्ट थी, उसे तुमने कोई भी क्रेडिट नहीं दी है और इलीगली तुम ये यूज कर रहे हो। कोर्ट में तुम ये प्रूव करने के लिए तुम्हें बहुत सारे साल लग सकते हैं। फिर सॉल वहां से चला जाता है। किम की जो लीगल टीम होती है वो सब प्लान स्टार्ट करती है कि कैसे हमें सॉल को स्टॉप करना है, पर केविन को पता होता है कि अब वो इतने चांसेस नहीं ले सकता। फिर वो सॉल के पास जाता है और सॉल को बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बता दो। सॉल बोलता है कि जो ओल्ड मैन है उसे तुम $45,000 पे करोगे और जिस आर्टिस्ट की तुमने इमेज यूज की है उसे तुम $2,00,000 दोगे। फिर केविन इस डील के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लालो को उसकी कार में सब पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। किम जब घर पर आती है तो सॉल उसे बोलता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन था इसे किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम इसमें इन्वॉल्व थी। ओल्ड मैन को भी अच्छी सेटलमेंट मिल गई और उस आर्टिस्ट को भी अब क्रेडिट मिल जाएगी और उसको भी पैसे मिल जाएंगे। किम उस पर नाराज होती है और बोलती है कि तुम मेरे अगेंस्ट कैसे गए, मैंने तुम्हें ना बताया था फिर भी तुमने ये सब किया, सब गलत है। ऐसा वो सब सॉल को बोल रही होती है। किम उसे बोलती है कि अब मैं और ये नहीं कर सकती, ये सब इलीगल हुआ है और हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो हेसिटेट कर रही होती है और उसके मन में और एक ऑप्शन होता है। सॉल फिर उसे बोलता है कि सेकेंड ऑप्शन क्या है। वो बोलती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैरिड लोग एक दूसरे के अगेंस्ट टेस्टिफाई नहीं कर सकते तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। फिर ये दोनों मान जाते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।